देखु यहाँ गोटे पूरापूरी भाव में मुझे यूनिक भावुची आम एरिया कहीं अन्न्य प्रोग्राम आम सब देखी फिजिकाली चैलेंज्ड पिलानों कि फैशन शो भाया जिनस देखी नु तो यहाँ जोड़ा कराई फैशन शो मैंने से कौन गुण में कम नुहति से आम भाया ही तो से बढ़िया गोटे प्लाटफर्म आम प्रयास इंडिया देखू आईटा निश्चित भाव से पिला बहुत उत्साहित कर स्वागत जोग्य पदक्षेप सुंदरगढ़ जिले में प्रथम थर पर प्रयास इंडिया तरफ ये एक सुंदर कार्यक्रम आयोजन कराई यार मुख्य उद्देश्य जो दिव्यांग भाई भी अच्छा समाज मुख्य स्रोत को आने को रोजगार पंथा देखा और किभली समस्त समाज में समस्त सागर मिसिकी कांध मिले चलिए यार मुख्य उद्देश्य सर एक्चुअली बस हम दिव्यांग है जब तक क्या हम लोग अगर कुछ अलग से क्रिएटिविटी नहीं करेंगे तो थोड़ा सा एक अलग से पहचान नहीं आती तो ये जो ड्रेस है ये मेरा खुद का बनाया हुआ है इसी में मैं अभी 6th time 6th बार प्रदर्शन कर रहा हूँ मैं और ये 5 times मेरे को विनर घोषित किया हुआ ड्रेस है ये तो मैं हर बार अपने ड्रेस में वेराइटीज लेके आता हूँ मैं आर्मी के रूप में और इस बार मैं सऊदी अरब के पोशाक के रूप में कुवैत का ड्रेस एक यहाँ पे थीम सेट था कि आप किसी भी एक थीम में अपने ट्रेडिशन में लेके आना करके तो मैं कुवैत का एक ट्रेडिशनल यहाँ प्रस्तुत किया हूँ। ये प्रयास इंडिया ने हमें जो मंच दिया बहुत बहुत सराहनीय मंच है ये और बहुत अच्छा लगा हमें यहाँ की सुविधाएँ हमें आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन बस वगैरह खाना वगैरह बहुत अच्छा लगा है। और एक बात इम्पोर्टेंट बात यही बोलूँगा कि इंडिया में अब एक नया ट्रेंड सा स्टार्ट हो गया है कि हम जैसे दिव्यांगों के लिए भी रजिस्ट्रेशन रखने चालू हुए हैं। प्रयास इंडिया एक ऐसा संस्था लगी हमें इस बार में कि हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन में हम लोगों को यहाँ पे लेके आना और हम लोगों को पूरी सुविधाएं प्रोवाइड कराना ये बहुत अच्छा लगा। सबको लगता है कि दिव्यांग बच्चे एक बोझ है और प्रयास इंडिया हमेशा ये बताना चाहता है कि आत्मा कभी विकलांग नहीं होती और बच्चे कभी हमारे लिए विकलांग नहीं होते। हमें सिर्फ इन्हें एक मंच देना है कि वो अपनी प्रतिभा को दिखा सकें अपनी शक्ति को दिखा सकें और प्रयास इंडिया अब अपने लाइवलीहुड प्रोग्राम के साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए और अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए हमेशा मंच देता रहता है। तो हमें 3 साल हो गए ये काम करते हुए, अब तक हम लोगों ने कई हज़ार बच्चों के लिए प्रोग्राम किया है और इस बार हम सुंदरगढ़ में आए हैं। सुंदरगढ़ की जनता, यहाँ के लोगों ने हमें बहुत सहयोग दिया है। पुलिस डिपार्टमेंट ने, यशवंत जी ने और यहाँ की जनता ने हमें खुले दिल से अपने बच्चों के लिए जो हम सेवा करना चाहते हैं उसके लिए बहुत सहयोग दिया। पहली बार उड़ीसा में किया है? नहीं, ये दूसरी बार है। इससे पहले हमने राजगंजपुर में किया था जहाँ हमने दिव्यांग क्रिकेट टूर्नामेंट नेशनल करवाया था जहाँ पे 175 नेशनल लेवल के क्रिकेट लड़कों ने, बॉयज़ ने टूर्नामेंट किया था जिसे हमें डालमिया वालों ने भी हमें उसमें सहयोग दिया था और उन सारे टीम्स के जो टूर्नामेंट थे वो हमने राउंड ले भी कराए थे। उन बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन, उनको किट, उनका रहना खाना सब प्रयास इंडिया चैरिटी फाउंडेशन ने किया था। हम लोग इन्हें स्पोर्ट्स के मंच के साथ साथ उनको आत्मनिर्भर बनने के लिए उनको जो ट्रेनिंग चाहिए, जैसे अब हमने आपको बताया हम स्पर्श चप्पल की तरफ करवा रहे हैं इसमें, क्योंकि आजकल पर्यावरण में आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स है या इतनी बिजली खर्च हो रही है तो यहाँ सब मैनुअल हम उन्हें सिखा रहे हैं ताकि पोल्यूशन में ये बच्चे ना साथ दें और ये सीखें कि हम लोग नॉर्मल तरीके से कैसे काम कर सकते हैं और अपने अपने लिए आत्मनिर्भर बन के आजीविका कमा सकें।